हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयर फोर्स। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप एक मीटर की दूरी पर एक समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। उस दर्पण का न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आमाप कितना होना चाहिए ताकि आप अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें देख सकें। बहुत पूछा जाता है एक क्वेश्चन ये समतल दर्पण वाला। तो मैं आपको इसके तीन वेरिएशंस बनते हैं समतल दर्पण से रिलेटेड, तो वो मैं तीनों आपको बता रहा हूँ। ध्यान से समझना है आपको कि क्या है कि अगर समतल दर्पण है, ठीक है ना, और अगर आपको अपना पूरा इमेज उसमें देखना है तो मिनिमम आपकी हाइट का हाफ वो होना चाहिए। अगर आप इसमें कितनी दूरी पर खड़े हैं, ठीक है, इसको इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं आप इसका दुगना या इसका आधा करने लगे। आपको क्या करना है कि अगर आप 10 मीटर के हैं तो आप अपने आप को पूरा देखने के लिए मिनिमम 5 मीटर का जो समतल दर्पण है वो होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अपनी ऊंचाई का आधा। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि एक समतल दर्पण के सामने आप भाग रहे हैं 2 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है, तो मिरर में आप कितनी स्पीड से भागते हुए दिखेंगे, तो उसमें आप डबल स्पीड से भागते हुए दिखेंगे। अगर 2 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहे हैं तो 4 मीटर प्रति सेकंड से आप उसमें दिखेंगे दर्पण में, ठीक है, समतल दर्पण में। नेक्स्ट पूछा जाता है, दो समतल दर्पण रखे हैं 60 डिग्री के कोण पर, अगर उनमें एक बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, थीटा दिया जाए। तो प्रतिबिंबों की संख्या n इज इक्वल टू होता है 360 बटे थीटा माइनस 1, ठीक है, 360 बटे थीटा। थीटा का मान जैसे 60 अंश पे रखा है तो 60 रख देंगे, 45 पे रखा है 45, 30 पे 30, जो भी है यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख के आप नंबर ऑफ उसके इमेजेस यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हैं ऐसे। और इसमें क्या रहता है कि कभी कभी क्या देता है कि दो समांतर वो हैं और उनके बीच में एक वस्तु रखी है तो फिर कितने एंगल बनेंगे। अब अगर समांतर हैं दोनों तो उसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो इसमें 360 बटे 0 माइनस 1 करेंगे तो अगर 0 रखेंगे तो किसी संख्या से 0 को डिवाइड करेंगे तो फिर इन्फिनिटी आता है, तो उसका आंसर अनंत आ जाता है। तो इस तरह से ये समतल दर्पण से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको सभी याद रखने हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। और क्या है कि ये जो क्विज है, ये क्विज ही मान लो, पूरा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी, तो क्या है कि जब भी आप क्वेश्चंस देखो तो उसको आप पॉज करके अपना आंसर्स खुद मन में टिक कर लो कि मेरा आंसर सी है। तो इससे क्या होगा कि आप बाद में एक वो कर पाओगे, अपने आप को इवेल्यूएट कर पाओगे कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए और कितनी हमें और अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो अपने मार्क्स हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, यदि किसी प्रारूपों पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध सहसा गिरकर शून्य हो जाता है तो पदार्थ को क्या कहते हैं। देखो ये है क्या कि इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, है ना। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको पता होगा कि प्रतिरोध क्या है तभी आप इसको कर सकते हैं। तो जिसको भी नहीं है पता, समझ लो क्या होता है, अब आई होप आप लोगों ने अपना कर लिया होगा आंसर। देखो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का मतलब होता है, इसको अगर बिल्कुल देसी भाषा में बोलें तो रुकावट। कोई परिपथ है तो उसमें कितनी रुकावट है, ये है प्रतिरोध। मान लो एक परिपथ है तो उसमें रुकावट का मतलब उसको धारा सही से नहीं बहने दे रहा होगा, ठीक है, रुकावट का मतलब यही तो हुआ। यानी कि प्रतिरोध अगर कम है, रुकावट अगर कम है, तो उसमें अच्छे से धारा बहेगी, यानी कि वो क्या होगा, प्रतिरोध अगर गिरकर शून्य हो जाता है, अगर प्रतिरोध 0 हो गया मतलब रुकावट बिल्कुल ही नहीं है, रुकावट नहीं है तो अच्छा चालक हो जाएगा, यानी कि अति चालक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहीं पर कह देता है कि अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उसकी चालकता घटेगी, आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से इसको बताना है कि प्रतिरोध क्या होता है, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक ये स्लाइड सेकंड वाली आ गई है, फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन ये है कि इसका जो है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तरंगों को आरोही क्रम में। तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ किसकी, मतलब आपको पता होना चाहिए परावैगनी और सूक्ष्म माइक्रोवेव और रेडियो तरंग और एक्स तरंग किसकी, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ किसकी, यानी कि वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य की। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये वाला, यानी कि सबसे अधिक होती है एक्स के बाद अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट के बाद मतलब सबसे कम इनमें एक्स की होती है इनके अकॉर्डिंग इनमें से, ठीक है। उसके बाद आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, फिर परावैगनी हो जाएगा, फिर आपका सूक्ष्म हो जाएगा, और इनमें से सबसे ज़्यादा रेडियो, और अगर गामा होता है तो वो फाइनली फिर गामा बनता है, ठीक है। तो इस तरह से इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, शायद ये दूसरा स्लाइड आ गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पाथ फाउंडर उतरा था, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, जो मंगल ग्रह है उस पे उतरा था पाथ फाउंडर। मंगल के दो उपग्रह हैं, एक फोमोस और डीमोस, ठीक है, ये पहली स्लाइड ये थी, लेकिन वो गलती से हो गई थी। तो चलो देख लेते हैं क्या है,
तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती? मैंने बताया था, कभी भी आपको बताया था ना प्रीवियस वीडियो में, हाइट का डिफरेंस, जैसे मान लो पानी में है कोई सुई पड़ी हुई है, वो जिस हाइट पर होती है उससे थोड़ी कम तिरछी हुई दिखाई दे, तो इनके सभी के जो रीजन्स होते हैं वो अपवर्तन होते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। 328 का ए आंसर सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, 329 देखते हैं। 329 में क्या कह रहा है कि बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान का 4 गुना और बी का वेग आधा है। ठीक है, बी के आधे वेग से, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब उसका इसको एम वन बी वन कर लो क्योंकि दो वेरिएशंस हैं, तो ये के वन हो गई। के टू में क्या उसने चेंज कर दिया, हाफ, ये तो 4 गुना हो गया, तो 4m1 इंटू वो आधा हो गया, आधा है तो 1/2 उसका वर्ग है ना, तो वर्ग करेंगे तो ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, यानी कि वही आ गया जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। यानी कि इस तरह से अगर फॉर्मूले में ड्राइव करेंगे हम तो जो काइनेटिक एनर्जी है उनमें कोई चेंज नहीं होगा, जो ए की होगी वही बी की होगी। बात समझ में आ रही है, जो ए की गतिज ऊर्जा है वही बी की होगी। किस तरह से है मैंने बता दिया आपको, नहीं अगर है तो आप रिमाइंड करके इसको बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे लाइव आना मतलब लाइव कैसे आते हैं वो नहीं पता है, नहीं तो मैं ये सभी क्वेश्चंस सामने लाइव आके करा दिया करूं, जिससे आपके भी डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहें। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। उनमें से एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है, द्युतिमान का मतलब एक अधिक लाइट दे रहा है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अगर 2 बल्ब हैं और एक जो है उसमें अधिक लाइट है, एक में कम लाइट आ रही है, एक अधिक चमक रहा है, तो क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था प्रतिरोध की परिभाषा, अगर वो आप समझ गए हैं तो आप बहुत ही जल्दी और ईजिली और कॉन्फिडेंस के साथ आप बता पाएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 330 का मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक है, क्योंकि वो देखो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी बताया था प्रतिरोध होता है रुकावट, तो जो कम जल रहा है बल्ब उसमें रुकावट अधिक होगी, तभी तो वो कम जल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये? तो इस तरह से आपको रटाफिकेशन नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है। फिजिक्स में हर लॉजिक होता है, हर चीज़ पूरी आप समझ के अगर करोगे तो आप पक्का अपना स्कोर अच्छा कर लोगे। एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं प्रीवियस वीडियोस में करा भी चुका हूँ, तो इसका होता है जो परावर्तन पे, ये रिफ्रैक्शन ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं अपने कान में, देखा होगा आपने लगा के आपके हार्ट पे रख के, वो हार्ट बीट वगैरह वो सब, तो ये सब ध्वनि के परावर्तन, बहु परावर्तन से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, तो ये परावर्तन ही रहता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। देखते हैं 332 क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें किसकी प्रकृति है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें जो बी ऑप्शन गामा किरण है और एक्स किरण है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 333 सौर विकिरण का निम्नलिखित में से किस परास में, सौर विकिरण किस परास में दिखता है? 333 तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना, यहीं पे पॉज करिए और बताइए इसका कितना होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हर वीडियोस में आपसे पूछता हूँ, और क्योंकि वो फिर आपको याद हो जाते हैं जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं करा चुका होता हूँ। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं, किस में चलती हैं? मैंने बताया था ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो घनत्व के समानुपाती होती हैं, तो जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें तीज चलेंगी, तो घनत्व किसका अधिक होता है? ठोसों में, तो ठोसों में अधिक होंगी। और यहीं पर आपसे मैं एक क्वेश्चन अगर पूछूँ, मुझे याद आ रहा है कि प्रकाश की तरंगें हैं, माध्यम में अगर ताप बढ़ा दें तो प्रकाश की तरंगों की चाल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा कि अनचेंज रहेगा? क्वेश्चन सुन लो, पॉज करके कमेंट करना कि एक माध्यम है, ठीक है, उसमें क्या किया मैंने, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसमें जो लाइट रे हैं, प्रकाश की किरण हैं, तो वो बढ़ेगी उनकी चाल या घटेगी या फिर रिमेन अनचेंज, आपको ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 340 क्या कह रहा है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? तो ये हो जाएगा एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम, बी नंबर का ऑप्शन। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन बिकॉज ये हमें क्या है कि मैं उस तरह से अभी PDF अपने टाइप करके नहीं करता हूँ, तो मुझे सभी कराने पड़ते हैं, तो आप उसमें परेशान ना हुआ करें, आप इतने इंटेलेक्चुअल हो कि समझते हो कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है और क्या इग्नोर करना है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिन पे फोकस नहीं इतना, मतलब आपको
ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हुआ करो कि वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन, तो आप एक दो क्वेश्चंस को इस तरह से उसमें परेशान ना हुआ करो। अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक, अच्छा है ना क्वेश्चन, जो यूवी होती हैं उनसे जो कौन रक्षा करता है, जो वर्णक होता है, तो तुरंत पर्ण हरित लगा दोगे, क्योंकि पर्ण हरित के अलावा आप जानते ही नहीं हो कुछ, क्योंकि वही पता है कि पर्ण हरित होता है पत्तों में, तो वही कर दो। लेकिन नहीं, जो रक्षा करता है यूवी से वो क्या होता है, फाइकोसाइनिन, ये होता है फाइकोसाइनिन, आपको याद रखना है फाइकोसाइनिन, ऐसे याद रखना है। और जो ओजोन होती है वो अपनी ओजोन परत वो समताप मंडल में होती है, समताप, ये भी पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा, ओजोन परत होती है किसमें, समताप मंडल में, आयन मंडल में, और क्या बहिर्मंडल में, मध्य मंडल में, तो ओजोन समताप में होती है, वो भी यूवी से रक्षा करती है, हम जो अपनी बॉडी है उसके लिए यूवी बहुत ही घातक हैं, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट है, देखो इसमें भी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, जितने भी मैं क्वेश्चंस लेता हूँ सब, आप देखो इसमें अभी देखो पहले कर लो, 100 वाट के एक बल्ब के, एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त ऊर्जा की इकाइयाँ होंगी। मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने हर सेशंस में आपको बता रहा हूँ कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें क्या करेंगे, पी बराबर W/T तुरंत लगाएंगे, पी आप देखेंगे 100 वाट लिखा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम 100 वाट देखेंगे, ऊर्जा पूछा गया यानी कि W/T 4 घंटे, तुरंत कैंची गोड़ा करेंगे 400 आंसर कर देंगे और गलत हो जाएगा आपका। तो वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको गलती, और मैक्सिमम देखो हंस रहे हैं, मैक्सिमम यही करने वाले थे और गलत करने वाले थे, लेकिन अब आप गलत नहीं करोगे, गलती यहाँ पे करो ताकि गलती एग्जामिनेशन हॉल में ना हो। क्या करना है, जो पी इज इक्वल टू W/T आप लगा रहे हो उसमें, ये अगर घंटा है तो ये किलो वाट घंटा में होना चाहिए, लेकिन ये किस में है, वाट में है ना, 1 वाट बराबर 1000 किलो वाट होगा। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो कितना, 1000 से डिवाइड करोगे तब 0.4 आएगा। तो आप गलती कहाँ कर सकते हो वो मैं बता दिया, अगर ये घंटा है तो ये भी किलो वाट घंटा में होना चाहिए, वाट घंटा में, किलो वाट में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, किलो वाट में, और किलो वाट में वाट को कैसे बदलते हैं तुम अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो अब क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या जिस भी एग्जाम में फिजिक्स आती है चाहे वो एयरफोर्स का हो, डबल ए का हो, या कुछ भी हो, क्या अगर फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इन्वेंशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, वो किसने इन्वेंट किए, क्या वो नहीं आते हैं, जिसको लगता है ये नहीं आते हैं वो प्लीज़ या स्किप कर सकता है, लेकिन जिसको लगता है ये क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे तो वो कंटिन्यू रखे। क्या है, तो आपको 337 इसका हो जाएगा, डायनामाइट की अल्फ्रेड नोबेल ने की, जैसे आपको पूरा नहीं भी आता है तब भी आप एक दो दाब का नियम पास कर ले दिया, तो अब आप देख सकते हैं डी का 4 किस में दिख रहा है, केवल आपको डी में दिख रहा है डी का 4। अब आप कहेंगे इसमें भी, लेकिन इसमें ए का 3 दिख रहा है, लेकिन हमने केवल दो ही करने से आप, हमने देख लिया दो करने से, दो अगर पता थे डायनामाइट और दाब का नियम तब भी आप कर सकते थे। और शीतल ये भी आपको पता होगा कि जो सी होता है, सी वो न्यूटन ने दिया था, तो इस तरह से आप देख सकते हैं डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर आपको अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डी ऑप्शन सही है, और मैचिंग करके आप लर्न कर लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा कितनी कैलोरी, किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो ये 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है रेगुलरली जो वर्क करते हैं, मेहनत करने वाले लोगों को, ठीक है। देखो एक पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर 6 किलोग्राम है, इस द्रव्यमान को अगर चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा, द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा बताओ। देखो अगर वो भार कहता है, ठीक है, तो वो 1/6 हो जाता है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा पे ग्रेविटी 1/6 रहती है, लेकिन अगर वो द्रव्यमान कह रहा, अच्छा इस क्वेश्चन में ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इतने हिंट्स बता दी फिर भी इसका आपको 335 पॉज करके, एक वो हो गया एक ये वाला, 335 का विद रीज़न आपको आंसर बताना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रीज़न क्या, 6 1/6 यानी कि 1 kg होगा, 1 kg होगा या फिर 6 kg ही रहेगा, ये आपको बताना है, और क्यों रहेगा ये आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि, और कमेंट में आप डिस्कशन क्या करो एक दूसरे से, क्योंकि आपको GD भी देना है, ग्रुप डिस्कशन भी देना है, तो वो इतना ईजी नहीं होता है, तो इस तरह की हैबिट्स आपको अभी से डेवलप करनी है। अब आप कमेंट में एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस तरह से अगर किसी का कमेंट गलत लग रहा है तो उसको भी समझाया करो, इस तरह से बनो थोड़ा। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए, अब आप लोगों को बताना है कि इंजन से पावर आवेशों को शिथिल करने के लिए किस, उसका यूज किया जाता है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा क्लिच,
सीधी सी बात है, बहुत लोग पता होगा सबको, क्लिच रहता है वही तो शिथिल कर देता है उनको, पावर आवेगों को। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो क्वेश्चन, ठीक है। देखो देखते हैं यार, ये स्लाइड ओवर होगी क्या। एक वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस, और ये हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। और अब देखो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से ध्यान से समझ लेना। के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बटे 2m, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया, यानी कि के में और पी में स्क्वायर का रिलेशन है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, स्क्वायर का रिलेशन है, संवेग में 20% की वृद्धि हुई, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से कोई चीज़ 1 बढ़ गई, 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 6। अब आपको काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर का रिलेशन होता है, तो ये इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 25 से 36। बस आप देख लो 25 से 36 में कितने परसेंट बढ़ा, 25 से 36 हुआ, यानी कि 11 अधिक हुआ। बेस कितना रखते हैं, 25, 25 से 11 बढ़ा है, तो 100 पे कितना, 25 चौका 100 और 11 चौ 44, 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप बैक करके देख सकते हो, बहुत मैं प्रीवियस भी बता चुका हूँ, तो ये अब आप गलत मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। एनीमोमीटर हो नहीं सकता, क्योंकि ये विंड यानी कि हवा की स्पीड मापता है। हाइग्रोमीटर हो नहीं सकता, ये आर्द्रता मापता है, जो ह्यूमिडिटी की वो होती है। तो इसमें रेनगेज या नेफोस्कोप, आपने 50% क्वेश्चन तो एलिमिनेट ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया, तो इसका हो जाएगा नेफोस्कोप। मैं हर वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक नए इक्विपमेंट, एक नए एक डिस्कवरी इस तरह से आपको बता रहा हूँ, तो ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले वीडियोस। तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा, क्या 1 किलोग्राम जल। अब देखो इसमें क्या होता है, ये ऑप्शंस तो देख के ही आप ख़त्म कर सकते हो, 1 किलोग्राम जल और 1 किलोग्राम ताबा, या सभी, सभी हो नहीं सकता, क्वेश्चन हो गया। देखो कुछ ऑब्वियस, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फैक्चुअल, 1 किलोग्राम जल ले जाएगा क्या गुब्बारा, 1 किलोग्राम ताबा ले जाएगा। अब सभी में ये दोनों भी आ गए, क्या हो गया, हो गया ना क्वेश्चन। तो इस तरह से भी फिजिक्स करना सीखो, ठीक है, करना ना सीखो, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए। ये मन नहीं सोचना है कि हमने क्वेश्चंस कभी पढ़े ही नहीं है, हम छोड़ देते हैं, नहीं, आप देखो ना उसको क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 422, उसमें क्या कह रहा है, क्रिकेट की घूमती हुई गेंद वायु का इधर उधर उछाल निम्नलिखित किसके आधार पर स्पष्ट किया जाता है। तो बर्नौली की प्रमेय होती है, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन का रोल लगता है। भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर आती है क्योंकि, तो ये इलास्टिसिटी हो जाएगा, ऐसा करने से अपने प्रत्यास्था गुण के कारण होता है, प्रत्यास्थता। अब ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे रबड़ दे देता हूँ और स्टील दे देता हूँ, तो आपसे पूछता हूँ कौन अधिक प्रत्यास्थ है, तो आप बताओ रबड़ और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, कमेंट करो। और गीली मिट्टी, अगर मैं तीनों कंपैरिजन कर दूं, गीली मिट्टी भी इसी के साथ कर दूं, तो इन तीनों का इंक्रीजिंग ऑर्डर आप कमेंट्स में पॉज करके यहीं पे बताओ। 3 होमवर्क आपके हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल से भरे बीकर में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ़ के पिघलने पर जल का स्तर क्या होगा। बर्फ़ पिघल जाएगी जब, तो जल का स्तर क्या हो जाएगा, तो इसका तो पूर्ववत रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर केरोसिन में अगर तैर रहा होगा, होता बर्फ का, तो फिर डिक्रीज़ हो जाता लेवल, ठीक है। दो वेरिएशंस बनते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, आपके माइंड में तुरंत आएगा क्या, अल्कोहल कर दें, पारा कर दें, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पायरेक्स से बने ग्लास में पानी डालने पर वह नहीं चटकता, क्योंकि पायरेक्स जो कांच होता है, तो क्यों नहीं चटकता है, क्योंकि गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता, जो गर्म करने से पायरेक्स कांच होता है वो प्रसारित नहीं होता है, इसलिए वो नहीं चटकता। तो 426 का आंसर हो जाएगा बी। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो होते हैं उनमें जो फ्रीजर सबसे ऊपर लगाया जाता है, रीज़न आपको बताना है 427, फिर मैं बता रहा हूँ इसका हो जाएगा, जिससे हुआ है संवहन धारा, ठीक है, कन्वेक्शन करेंट के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, तो संवहन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को देख लेना है 427। 428, अगर कॉफ़ी के प्याले में, कॉफ़ी का गर्म प्याला है, कमरे के धातु की मेज पर रख दिया जाए, तो किस तरीके से उसकी ऊर्जा नष्ट होगी, उसमें तो वो तीनों से होगी, चालन, संवहन और विकिरण, और उसमें वाष्पन से होगी, क्योंकि वो वाष्पन भी होगा, क्योंकि वाष्प बन के वो कॉफ़ी उड़ जाएगी। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में पंखों के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है, क्योंकि पंखा,
तो इसका हो जाएगा बी, क्योंकि हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के बाष्पन में वृद्धि कर देता है, इसलिए अच्छा लगता है गर्मियों में, ठीक है, रेदर देन सर्दी। आर्द्रता मापी सहायता से क्या मापा जाता है, तो अपेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब पता ही होगा, वोरोमीटर क्या होता है, अपेक्षिक घनत्व का फोर्थ होमवर्क, अपेक्षिक घनत्व किसे, ये लैक्टोमीटर होता है दूध, अपेक्षिक घनत्व आप बताएंगे कमेंट्स करके, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यार अच्छे से कमेंट्स करते हैं, जैसे मुझे याद आ रहा है कोई एक लड़का है, आदि श्रीवास्तव है या क्या है यार, वो बहुत अच्छे से कमेंट्स करता है, जैसे कोई क्वेश्चंस पूछता हूँ तो बहुत अच्छे से समझा देता है, जैसे और भी स्टूडेंट्स की हेल्प होती है उस फैक्ट से जुड़े हुए, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो सभी बता दिया करो, अच्छे से कमेंट करने की हैबिट डालो। इससे क्या होगा, मैं बार बार बताता हूँ, अगर आप कोई चीज़ कमेंट कर देते हैं वो आप कभी भूलते नहीं हो कोई चीज़, ठीक है। तो इस तरह से डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है, तो आप कमेंट किया करिए। मैंने आज चार होमवर्क दिए हैं, आप लोग इतने हो वीडियो देख के चले जाओगे, कुछ ही बच्चे कमेंट्स करते हैं, तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कमेंट्स किया करिए। आपको नहीं आता है तो कमेंट्स सेक्शन में जाइए, जो जीनियस स्टूडेंट हैं जो जिन्हें नहीं आता है, कुछ बच्चे नहीं आता है गूगल से देख के तब बताते हैं, लेकिन बताते ज़रूर हैं, तो आप बताया करिए। निम्नलिखित में से ऊर्जा का सीधे सीधे किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से सीधे सीधे प्राप्त होती है, ठीक है, वायुमंडल से बनाई जाती है, एयर से, समुद्र पानी से भी, जल से ऊर्जा बनती है, लेकिन सूर्य से हमें डायरेक्टली मिल जाती है। तो 431 का रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट क्या होता है, संवेग संरक्षण पर। अगर संवेग में भी अगर कोणीय संवेग और रेखीय संवेग दोनों उदाहरण दिए हों ऑप्शन, तो फिर रेखीय संवेग हो जाएगा, ठीक है। शरीर का वजन आपको बताना है 433 क्या हो जाएगा, ध्रुवों, जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है, तो ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। अगर पूछता है ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, एच ऊंचाई पर पृथ्वी से घटेगा, नीचे जाने पर घटेगा, अगर कहता है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तब बढ़ेगा, और ध्रुवों से विषुवत रेखा पर तब घटेगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है, केंद्र पर जीरो होता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन क्या है कि हवा का भार इतना है, पानी में डालने पर इतना है, तो पिंड का आयतन होगा सीसी करके ऑप्शन, ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, तो आप कुछ नहीं इसका डिफरेंस कर दो 100 और 92 का, तो 8 सीसी इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से आ जाए, तो आप ऐसे कर सकते हो। और फुट प्रति सेंटीमीटर सेकंड है, तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 4.95 का गुणा करके कर सकते हैं, एक फुट प्रति सेकंड होता है 4.95 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक ट्रक तथा कार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, एक ट्रक तथा कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाए तो कार ठहरने से पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, ट्रक ठहरने से पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगा, दोनों एक समान या कुछ कहा नहीं जा सकता, तो जो ट्रक होगा वो लंबी दूरी तय करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मुझे इसी तरह का एक क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ से एक छत से एक पत्थर और एक कपास फेंका जाता है, तो कौन पहले आएगा, ठीक है, ये आप बताओ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। एक गेंद फेंकी जाती है, वो 5 kg की है, और एक 2 kg का मान लो कुछ फेंका जाता है, कौन पहले आएगा ज़मीन पे, बताओ, और वैक्यूम है, ठीक है। भौतिक तुला होती है वो समांतर बल के नियम पर कार्य करती है, ठीक है, ये देख लो। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले थे वो रोमर थे, प्रकाश की चाल को मापने वाले इन्हीं ने, इनकी इन्वेंट भी इन्हीं ने किया था, रोमर ने। लाइट ईयर, जो लाइट ईयर है वो, अब ईयर देख के आप टाइम का मत कर देना, ईयर देख के आपको डिस्टेंस का होता है, मैं बता चुका हूँ बहुत बार, लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। और दोस्तों में देखो, यही तो मेरी मोटिवेशन यहीं से केवल मिलता है, और आप लोगों से मैं कुछ मांगता हूँ क्या, केवल एक लाइक, आप लोगों से एक लाइक नहीं बनता, मैं आपके लिए टाइम निकाल के 30 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, तो आप एक लाइक नहीं कर सकते हो क्या, वो भी अगर अच्छा लगा है तो, अगर वीडियो हेल्प करता है लाइक कर दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।